कैपिटल गेन्स के बारे में, कंपलसरी टॉपिक, 8, 10, 12 एनी नंबर ऑफ मार्क्स कैन बी द वेटेज फॉर दिस टॉपिक, कंपलसरी चैप्टर फॉर आईपीसीसी फॉर फाइनल, काफी कॉन्सेप्चुअल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 10 मार्क के लिए अपना स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में आंसर निकाल सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, अदरवाइज लोग ढूंढते बैठते जाएंगे, अदरवाइज आंसर मिलता ही नहीं है उनको, ऐसा भी होता है। लेकिन हालांकि काफी सिंपल टॉपिक है, सिर्फ सर्टन प्रिंसिपल्स एक बार उस टॉपिक की एक बार नैक समझ में आए ना तो बस बाकी सारी चीज ईजी है। ध्यान दो, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल, दिस इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम, मुझे जो इनकम आते हैं वो अलग अलग हेड से जो आते हैं, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये सारी चीज अपनी कंप्लीट है। बात करें अपन किसकी, कैपिटल गेन की, चलेगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो चार्जिंग सेक्शन से अलग अलग चैप्टर के, सेक्शन 15(1) चार्जिंग सेक्शन किसका, सैलरी का, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन किसका, एचपी का, सेक्शन 28 है चार्जिंग सेक्शन किसका, पीजीबी का, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन किसका, कैपिटल गेन का, एंड सेक्शन 56 है चार्जिंग सेक्शन किसका, अदर सोर्स का। बराबर, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। अब ध्यान दो, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन है और ये आपके क्लास के नोट्स में फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। आइए फटाफट, ये लास्ट टॉपिक है जिसके लिए टाइम कंज्यूम एफर्ट्स लगेंगे। ध्यान दो, कैपिटल गेन्स बेसिक्स दिया हुआ है एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, हेंस फॉलोइंग एसेंशियल कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड टू चार्ज एनी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। देखिए, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एंड देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग ऑन सच ट्रांसफर। वो सारी चीजें छोड़िए, वापस एक बार फर्स्ट लाइन रीड कीजिए, प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट को अंडरलाइन करो, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट को अंडरलाइन करो, सेक्शन 45 सब सेक्शन वो बोल रहा है, चार्जिंग सेक्शन जो है वो बोल रहा है ट्रांसफर होनी चाहिए किसकी, कैपिटल असेट की, ये बोल रहा है देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट, क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट, कैपिटल असेट होनी चाहिए और उस कैपिटल असेट का क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट और कैपिटल असेट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर। अगर आपके पास कैपिटल असेट है और आप ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब इन द सेंस सेल कर रहे हो, तो आपकी कैपिटल एसेट अगर आपने सेल कर दी तो ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं प्रॉफिट नहीं तो लॉस कुछ ना कुछ तो भी होगा ना, तो वो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो किस हेड में आएगा, कैपिटल गेन्स में, चलेगा। सो देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट का मतलब क्या, ये दिया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में, एंड ट्रांसफर ये दिया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट एंड देयर मस्ट बी ट्रांसफर। पहले से हमने जब बेसिक चैप्टर चालू किया था हमने बात किया था सेक्शन 1 एंड सेक्शन, सेक्शन 1 एक्सटेंड उसके बाद कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में था, सेक्शन 2 जो था वो डेफिनेशंस था, एक्ट में सेक्शन 3 ऑनवर्ड जितने भी अलग अलग नए नए वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अगर वो वर्ड्स अगर कॉमन सेंस में अगर लोगों को ना समझते हो तो उसका डेफिनेशन इन लोगों ने स्पेशल पर्पजेस के लिए सेक्शन 2 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 2 में सब सेक्शन 14, 2 में कौन सा, 214 कौन है, कैपिटल असेट, और 247 कौन है, ट्रांसफर, बराबर क्या, 214 कैपिटल एसेट एंड 247 इज ट्रांसफर, बराबर। अब ध्यान दो,
जब मैं बात करूं 214 इज अ कैपिटल एसेट एंड 247 इज ट्रांसफर, समझने की कोशिश करूं, कैपिटल एसेट ट्रांसफर, ये जो सेक्शन 2 होता है ना वो अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होता है उसका, ए वाले डेफिनेशन सबसे पहले, इसलिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 असेसमेंट ईयर। यस, तो कैसे होता है अल्फाबेटिकली, ए वाले पहले, बाद में बी, बाद में सी, बाद में डी, ऐसे, तो इसलिए 240 कैप सी पहले आता है ना इसलिए 214 है, टी बाद में आता है इसलिए 247 बराबर। अब जान दो कैपिटल गेन में अगर आपका इनकम टैक्सेबल होना है तो आपकी दो चीजें होनी जरूरी है, नंबर वन देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, अगर कैपिटल एसेट है और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है दोनों भी कंडीशन अगर मैच होती है तो क्या टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में वो ट्रांजेक्शन। लेट से आपने ट्रांसफर कर दिया लेकिन जो ट्रांसफर किया वो कैपिटल एसेट नहीं थी तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, नहीं तो आपने कैपिटल एसेट दे दी लेकिन ट्रांजेक्शन जिस तरीके से हुआ वो ट्रांसफर में नहीं आता तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, तो इसमें से एक भी चीज अगर एब्सेंट है तो कैपिटल गेन नहीं आता, इसीलिए आपको दोनों भी चीजें होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट और उसका ट्रांसफर होना चाहिए, अगर दोनों भी चीजें हैं तो कैपिटल गेन आएगा। चलेगा, छापलो।